हेलो ऑल ऑफ यू नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 32 दैट इज डेप्रिसिएशन अलाउंस डेप्रिसिएशन बिजनेस हेड का मार्क्स वाइज तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतने मार्क्स के क्वेश्चन तो नहीं आते मैं बताऊंगा कहां कहां क्वेश्चन आते हैं लेकिन टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग वाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके सो लेट्स सी अब अकाउंट्स में आप लोगों ने डिप्रिसिएशन तो पढ़ा ही होगा राइट और आई थिंक सीपीटी में था ना डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग और डिप्रिसिएशन का फंडा क्या है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट अराइजिंग आउट ऑफ यूज एंड ऑफ सुलिस और अफ्लेक्शन ऑफ टाइम है ना डेफिनेशन तो आपको भी याद होगी वेरी गुड तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का डिडक्शन आपको इनकम में से मिलता है राइट right? so this results इन सेविंग ऑफ टैक्स because depreciation is एन allowable डिडक्शन इट results इन सेविंग ऑफ टैक्स क्योंकि इससे इनकम कम hongi इनकम कम hongi तो टैक्स भी कम होगा तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस पर बाद में जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो वक्त आने पर ही मैं आपको समझाऊंगा अभी से मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत बातें मेरी समझ में नहीं आएंगी अभी सो इट स्टार्ट सबसे पहले देखते हैं कंडीशन फॉर अलाउंस ऑफ डिप्रिसिएशन क्या क्या कंडीशन फुलफिल होने पर डिडक्शन मिलेगा इनकम में से तो सबसे पहला पॉइंट है ओनरशिप दी मस्ट बी ओनर ऑफ द एसेट आपका ओनर होना जरूरी है अगर आप ओनर हैं तो आपको डिप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा और अगर आप ओनर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा फॉर एग्जाम्पल कि हम किराए से एसेट लेकर आए लीज पे लेके आए रेंट पे लेके आए तो फिर अपने को डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा बल्कि रेंट जो हम पे करेंगे उस मशीन का वो हमें अलाउ होगा एज डिडक्शन तो बात तो एक ही की है अगर आप किराए का एसेट यूज करो तो रेंट जो आप पे करेंगे वो डिडक्शन मिलेगा और अगर आप खुद का एसेट लगा कर बिजनेस करते हो तो आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा और एक ना एक कोई चीज मिलेगी राइट right? तो चलो देखते हैं तो रेंट अपने थर्टी थर्टी वन में देखा अब यहां देखते हैं डिप्रीसिएशन तो ओनरशिप का पहला पॉइंट है और उसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि एसेट शैल बी ओन्ड और को ओन्ड बाय द दी ओन्ड यानी फुल ओनरशिप आपकी होनी चाहिए या को ओन्ड यानी पार्ट ओनरशिप भी अगर रही तो भी चलेगा पार्ट ओनर कैन ऑल्सो क्लेम डिप्रीसिएशन ठीक है यानी कि दो लोग ओनर हैं ए और बी दोनों ने पैसे मिलाए है पचास पचास लाख रुपए और एक एसिड खरीद लिया लेकिन बिजनेस में अकेला ए ए यूज कर रहा है तो कैन क्लेम यस अलाउड है लेकिन कितने वैल्यू पे पूरे वैल्यू पे वन करोड़ का मशीन है तो पूरे वन करोड़ पे ए को डेप्रीसिएशन मिलेंगे क्या नहीं जितना इन्वेस्टमेंट उसने किया था 50 लैक्स उस पर ही मिलेगा राइट वेरी गुड सेकेंड पॉइंट है रजिस्टर्ड ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी रजिस्टर्ड ओनरशिप यानी एसेट आपके नाम पे होना जरूरी नहीं है टाइटल नॉट नेसेसरी टाइटल होना जरूरी नहीं है यानी अगर आप बेनिफिशियल ओनर भी है बेनिफिशियल राइट्स अगर आपके पास है तो आपको डिप्रिशिएशन मिल जाएगा तो ये बेनिफिशियल राइट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी में समझाया था अगर आपको याद है ही बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है ओनरशिप इज अ बंडल हाउस प्रॉपर्टी पढ़े आपने अभी मेरे से चैप्टर फिनिश हो गया है तो उसमें अपन ने ओनरशिप पढ़े थे नहीं तो चलो मैं आपको बता ओनरशिप जो है उसको अपन दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं एक तरफ आता है टाइटल और दूसरी तरफ आते हैं बेनिफिशियल राइट्स ऑफ ओनरशिप जिसके अंदर आता है यूज ऑक्यूपेशन एंजॉयमेंट राइट टू एंजॉय राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी आप अपने बीवी बच्चों को घर से भगा सकते हो अगर घर आपका है तो यू कैन एक्सक्लूड अदर्स बीवी को तो नहीं भगा सकते आप लेकिन बच्चों को भगा सकते हैं जब वो नाला एक काम करते हैं तो आप भगाते हैं ना निकल जाओ मेरे घर से बाहर तो वो राइट ऑफ ओनरशिप होता है एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम द एन्जॉयमेंट ऑफ द एसेट देन एलियनेशन एलियनेशन यानी खुद से दूर करना यानी कि सेल डिस्पोज ऑफ वो सब राइट्स आपके पास रहते हैं तो एक तरफ है टाइटल अच्छा मैं उसको एक काम करता हूं उसको नीचे लिखता हूं तो इसको मैं रजिस्टर्ड राइट्स कहता हूं तो उसमें आता है टाइटल टाइटल यानी कि टू गेट द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन योर नेम कोई भी आसेट को आपके नाम पे रजिस्टर करना उसको कहते हैं टाइटल तो राइट टू टाइटल होता है जैसे घर है अगर आप मालिक हो तो आपको राइट है ना यू कैन गेट हाउस रजिस्टर्ड इन योर नेम और अगर आप मालिक नहीं हो तो क्या आप किसी के भी घर को अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते क्या नहीं तो ये ओनर का राइट होता है टाइटल एंड दे बेनिफिशियल राइट्स। तो जिस पर्सन के पास सिर्फ बेनिफिशियल राइट्स है सिर्फ ये राइट्स है और टाइटल नहीं है उसको हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनर अगर तो समझ लो कि टाइटल मिस्टर ए के पास है लेकिन बेनिफिशियल राइस मिस्टर बी के पास तो बी को अपन क्या बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर और ए को क्या बोलेंगे रजिस्टर्ड ओनर तो ये मैंने हाउस प्रॉपर्टी में भी आपको समझाया था सेक्शन ट्वेंटी सेवन में फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ लॉ स्पेशली फॉर इनकम टैक्स

क्योंकि उसके पास बेनिफिशियल ओनरशिप राइट्स और डिडक्शंस भी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन किसको देंगे बी को देंगे ए को नहीं देंगे सो हु इज एन टू क्लेम डेप्रिसिएशन बी इन हुज हैंड्स द इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स बी सो इनकम के लिए प्लस डिडक्शंस दोनों के लिए रियल ओनर अपन किसको मानेंगे बी को मानेंगे तो ये प्रॉब्लम का पैदा होता है जब ये दोनों दो अलग अलग लोगों के हाथ में होती है अब आप पूछो ऐसा कैसे होता है है ना सवाल आया ना दिमाग में ऐसा कैसे होगा सर अलग अलग कैसे होंगे सिंपल रहता है देखो पैसा फारूक ने लगाया मेरे पास पैसा है फिफ्टी मिलियन डॉलर्स ऐसी जेब में पड़े थे उस दिन और मैं और आप मेरे दोस्त हम जा रहे थे तो एक बिल्डिंग दिखी बहुत अच्छी बिल्डिंग थी मैंने कहा चलो खरीद लेते हैं तुमने कहा खरीद लेते हैं चलो गए वह मालिक से बात की उसने कहा कि देता हूं तो मैंने कहा कि नहीं मेरे नाम से मैं नहीं लूंगा बट आई परचेज इन द नेम ऑफ माई फ्रेंड तो तुम्हारे नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाया हमने इस बिल्डिंग का लेकिन पैसे किसने लगाए मैंने तो जब मैंने पैसे लगाए तो राइट ऑफ एंजॉयमेंट किसके पास रहेगा राइट ऑफ ऑक्युपेशन पोजिशन किसके पास रहेगा तुम तुम्हारे पास रहेगा क्या नहीं 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 तुम्हारा नाम सिर्फ यूज किया है हमने बाकी घर की चाबी उसमें रहना रहने का राइट एलियनेशन कल्चर के बेचने का राइट ये सब तो मेरे पास क्योंकि पैसे तो मैंने लगाए तो मुझे कहा जाता है बेनिफिशियल ओनर और आप बनते हैं रजिस्टर्ड ओनर ठीक है सिमिलरली देखो फर्म के पास पैसा है पार्टनरशिप फर्म एक है उस तो पैसा लगाया और एक घर खरीदा यानी एक बिल्डिंग खरीदी लेकिन उसको रजिस्टर किसके नाम पे किया पार्टनर के नाम पे पैसा किसने लगाया फर्म ने रजिस्ट्रेशन किसके नाम से पार्टनर सो हु इज बेनिफिशियल ओनर फर्म हु इज़ रजिस्टर्ड ओनर पार्टनर इस बिल्डिंग से जो इनकम आएगी किसके हाथ में टैक्स करेंगे फर्म के हाथ में और डिडक्शन जो क्लेम करना है वो कौन करेगा फर्म करेगी वो पार्टनर नहीं करेगा तो है समझ में तो बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि इन्वेस्टर कोई एक होता है लेकिन रजिस्ट्री दूसरे के नाम पे होती है तो जो इन्वेस्टर है बेसिकली उसको बेनिफिशियल राइट्स रहते हैं बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड द मनी ऑब्वियसली राइट्स आर हिज इनकम कमाने का राइट उसका ही रहेगा ना तो ऐसे है बेनिफिशियल ओनरशिप तो इसलिए कोर्ट ने कहा यहां पे देखो कोर्ट ने क्या कहा मैसोर मिनरल्स के केस में कि अगर आपके पास बेनिफिशियल राइट्स ऑफ ओनरशिप है तो आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो रजिस्ट्री आपके नाम पे हो यह जरूरी नहीं है यू मे नॉट बी अ रजिस्टर्ड होल्डर यू मे नॉट हैव टाइटल इन योर नेम स्टिल यू कैन क्लेम डिप्रिसिएशन आए समझना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फिर आगे एक पॉइंट दिया है सेक्शन 53 ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये हमने हाउस प्रॉपर्टी में स्टडी किया था डीम ओनरशिप सेक्शन 27 के अंदर याद होगा बायर इज डीम्ड टू बी दी ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट परफॉर्मेंस यानी नहीं वही क्या आपने एग्रीमेंट टू परचेज किया है उसके बाद आपने पोजेशन ले लिया है पैसे दे दिए या देने वाले हो या कुछ दिया है कुछ देने वाले हो लेकिन पोजेशन हाथ में आ गया है एग्रीमेंट टू सेल बन चुका है पोजीशन हाथ में आ गया है हम रहना चालू कर देते हैं रजिस्ट्री बाद में मारेंगे रजिस्ट्री के लिए रुकना थोड़ी बढ़ता कभी भी हो सकती है रजिस्ट्री लेकिन जैसे ही ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए कि एग्रीमेंट टू सेल बन गया है इस एग्रीमेंट टू सेल के अंदर पोजिशन आपको दे दिया गया है सेलर ने आपको दे दिया है और आपने या तो पैसे दे दिए हैं या आप देने वाले हो डिस्प्यूट नहीं है इट इज क्लियर दैट यू आर गोइंग टू गिव द मनी इन दैट केस जैसे ही पोजेशन आपको मिल जाता है यू आर कंसिडर्ड एज अ डीम्ड ओनर फिर आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो तो मान लो कि अब इस घर में आप बिजनेस चलाओगे तो आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा है ना फिर आगे एक केस यह है केस ऑफ प्रॉपर्टी टेकन ऑन लीज लीज पे अगर हमने लेकर चला रहे हैं बिजनेस तो हमें डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा लेसी को कोसिएशन नहीं मिलेगा लेसी कभी भी इनकम टैक्स में ओनर नहीं माना जाता इट इज ऑलवेज द लेसोर हु इज द ओनर हु कैन क्लेम दिसिएशन इवन इफ इट इज अ केस ऑफ फाइनेंस लीज लीज दो होते हैं ऑपरेशनल एंड फाइनेंस दोनों ही केस में ओनर किसको मानेंगे लेसौर एंड नॉट द लेसी एक पुराना सर्कुलर इसमें नंबर टू बाई टू थाउजेंड वन था। उसमें भी वही लिखा है कि लेसी विल नॉट बी दी ओनर, विल ऑलवेज बी लेसोर सो डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल टू दी आपका हो एंड नॉट टू लेकिन हायर परचेज के केस के में या इंस्टॉलमेंट वाला जो केस होता है ना एसेट परचेज और हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट ये दोनों ही केस में जो बायर है हायर सेलर एक होता है और दूसरा हायर बायर <laughs> तो जो बायर है उसको हम ओनर मानते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग नॉट आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन द बायर इज डीम्ड ओनर एंड ही कैन क्लेम डिप्रीसिएशन एज वेल क्योंकि उसको सबस्टैंशियल ओनरशिप राइस मिल जाते ना डिफ्रेंसिएशन वही है बेनिफिशियल ओनरशिप राइट्स तो जैसे ही आपने हायर परचेज में कोई चीज़ खरीदी जैसे ट्रक वगैरह खरीदी बिजनेस में चलाने के लिए तो जैसे ही हायर परचेज में हमने ट्रक उठाया हम ओनर बन गए अब वो तो पैसा बाकी है इंस्टॉलमेंट और ठीक है टाइटल अपने को बाद में मिलेगा लेकिन फॉर ऑल बेनिफिशियल परपजेज वी हैव गॉट द राइट्स ट्रक चलाने का राइट अपना उससे पैसा कमाने का राइट अपना बेचने का राइट अपना सब तो अपने पास तो ऑल बेनिफिशियल ओनरशिप राइट्स वी रिसीव एट द स्टार्ट इट सेल्फ इसलिए अपने को ओनर माना जाएगा तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने के ये एग्जाम में नहीं पूछने वाले बट स्टिल याद रखो फिर एक एक्सेप्शन है तो अपन ने रूल क्या देखा कि ओनली ओनर गेट्स डेप्रिसिएशन राइट ओनर गेट्स डिप्रीसिएशन ये मेन रूल है अब उसका एक एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन क्या कहता है एक्सप्लेनेशन वन टू सेक्शन थर्टी टू सबसे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी नॉट फॉर फर्नीचर इट इज ओनली फॉर बिल्डिंग टेक एन ऑन लीज देखो बिल्डिंग हमने लीज पे लिया है ही इज एंटाइटल टू डिप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई हिम ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर और एनी वर्क डन इन रिलेशन टू द बिल्डिंग बाय वे ऑफ इंप्रूवमेंट रिनोवेशन और एक्सटेंशन बहुत सिंपल पॉइंट है क्या हुआ के एक बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग है ये लैंड है और ये एक बिल्डिंग उस पर खड़ी है मैंने किराए से लिया बिजनेस uh, करने के लिए ठीक है आई टेक दिस ऑन लीज टेक इन ऑन लीज लेसोर जो है वो है मिस्टर जय और लेसी लेसी ने जो लेता है वो है मिस्टर फारूक अब मैंने क्या किया कि यहां पे क्लासेस शुरू कर दी बिजनेस बिजनेस लेसी का बिजनेस यूज इन बिजनेस ओके अब पहला सवाल क्वेश्चन नंबर वन कैन आई गेट डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल बिल्डिंग जो ओरिजिनल बिल्डिंग है यहां पर क्या उस पर मुझे डिप्रिसिएशन मिलेगा तो आंसर है नो no. बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि मैं ओनर नहीं होना जो बिल्डिंग है उसका मैं ओनर हूं नहीं सो आई विल नॉट गेट डेप्रीसिएशन ऑन ओरिजिनल बिल्डिंग साल दो साल तीन साल निकल गए फिर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ी मैं ओनर के पास गया जय के पास मैंने कहा जय इस इसमें दो चार और कंस्ट्रक्शन करके दो मेरे को फ्लोर्स मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत है बच्चे बढ़ गए क्लास फायदे में चल रही है आई नीड फोर मोर फ्लोर्स आपके पास एक है मेरे को चार और बना के दो जय ने कहा भाई मेरे मेरे पास पैसे नहीं है मैं नाम का जय हूं मगर पैसे नहीं है वॉट विल आई डू मैंने कहा एक काम करो अगर तुम 25 साल का लीज मेरे को देते हो तो मैं मेरे खर्चे पे लेसी लेसी अपने खर्चे पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देगा लेकिन 25 साल का लीज चाहिए सो दैट आई यूटिलाइज माय इन्वेस्टमेंट राइट तो जय ने कहा ठीक है देता हूं तुमको 25 साल का लीज तुम तुम्हारे पैसे से कंस्ट्रक्शन कर लो तो फारूक हक ने अपने पैसे से ऐड किए फोर फ्लोर्स किसने किए फारूक हक बाई फारूक हक लेसी तो लेसी ने अपने पैसे से एडिशन किया है बिल्डिंग के अंदर एडिशन राइट सो यू कैन डू एडिशन ऑल्ट्रेशन रिनोवेशन वगैरा तो ये जो खर्चा मैंने किया चार फ्लोर बनाने का कैन आई क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन सच एडिशंस मेड बाय लेसी हिमसेल्फ एट हिज कॉस्ट क्या उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा तो आंसर है यस अब सवाल ये पैदा हुआ एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे Uh, कुछ लोग क्योंकि ये बात को गलत समझेंगे मैंने कहा डिफीशन मिलेंगे यस तो आप मान लेंगे हाँ हाँ मिलेंगे लेकिन उसका लॉजिक शायद गलत समझेंगे आप शायद ये समझेंगे कि चार फ्लोर का मालिक तो फारूक हक है ओनर तो फारूक हक है इसलिए उसको मिल गया बिल्कुल गलत बात ये जो चार एडिशनल फ्लोर्स मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं मेरे खर्चे से इसका भी ओनर मैं नहीं हूं इसका ओनर जय ही है याद रखो जस्ट बिकॉज आई स्पेंड मनी आई डोंट बिकम ओनर पच्चीस साल का लीज है पच्चीस साल का लीज जैसे खत्म होगा मेरे को बिल्डिंग छोड़ के जाना पड़ेगा हाँ अगर वो चार उठा के लेके जा सकता हूं तो ओनर कहेगा लेके जाओ तुम्हारे है तुम लेके जाओ लेकिन कैसे जाएंगे ऑब्वियस है ना सीमेंट ब्रिक कहां से उठा के लेके जाऊंगा तो इसलिए ओनर तो इसका कौन है जय जो लेसर है वो लेकिन फिर भी हमको डिप्रिसिएशन दिया गया है इसलिए अलग से एक्सप्लेनेशन लिखा है समझ में तो ये चार फ्लोर का ओनर कौन है लेसॉरीज है ओरिजिनल ओनर लेकिन डिप्रिसिएशन किसको मिलेगा लेसी को तो ये एक एक्सेप्शन है याद रखेंगे आप लोग वेरी गुड तो सर से ये फर्स्ट कंडीशन था ओनरशिप का सिंपल था दूसरा कंडीशन देखते हैं एसेट मस्ट बी यूज फॉर दर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑब्वियसली अब मेरे घर पे मैंने एयर कंडीशनर लगाया तो क्या उसका बिजनेस में मेरे को डिप्रिसिएशन मिलेगा क्या नहीं लेकिन जो बिजनेस के अंदर में यूज कर रहा हूं उसका मिलेगा तो वो एक सिंपल कंडीशन है और इसके अंदर ये जो वर्ड है यूज मस्ट बी यूज तो यूज में दो बातें हैं आप पहले समझ लो फिर अपन पढ़ेंगे वहां नहीं तो वैसे नहीं समझ पाएंगे यूज में एक तो है पर्पज और दूसरा एक वो उसमें कॉन्सेप्ट है टाइम टाइम लिखता हूं उसको मैं कि तुमने यूज किया कि नहीं और किस पर्पज के लिए यूज किया दो बातें हैं तो पर्पज क्या होना चाहिए बिजनेस और प्रोफेशन जो अपना बिजनेस और प्रोफेशन है जिसकी इनकम को अपन टैक्स करने वाले हैं और जिसमें से हम डिडक्शन चाहते हैं उसी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए तुम्हारा यूज होना चाहिए ऑब्वियस है ना तो यू शुड बी फॉर दर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड यूज शुड बी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सम टाइम, एटलीस्ट वन डे सम टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कुछ तो समय कम से कम यूज होना चाहिए एक दिन भी रहा ना तो काफी है. लेकिन साल भर अगर एसिड यूज ही नहीं किया है तुमने तो फिर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा यानी एक नया मशीन खरीद के लाए और स्टॉक में पड़ा है स्टोर्स में रखा हुआ है उसको हमने इंस्टॉल नहीं किया उसको यूज ही नहीं किया करंट ईयर में मार्च खत्म हो गया तो फिर डिप्रिसिएशन मिलेगा क्या अपने को नो 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 सो इफ दी एसिड इज ओनली बॉट एसिड इज ओनली बॉट इट इज ओनली परचेज बट नॉट यूज इवन फॉर अ सिंगल डे नो डेपीसी आए समझ में तो सवाल ये आता है कि ये यूज कब कहेंगे कब कहेंगे कि एसिड को यूज किया गया है व्हेन यूज का सवाल पैदा होता है तो उसमें दो बातें आती हैं उसमें दो बातें होती हैं एक्चुअल यूज एंड पैसिव यूज दोनों को यूज मानते हैं तो दोनों में से कोई भी एक हो गया तो फिर आपको डिप्रिसिएशन मिलना चालू हो जाएगा एक्टिव एंड पैसिव या एक्चुअल एंड पैसिव तो एक्चुअल यानी क्या एक्चुअल यानी कि एक्चुअल यूज मशीन से काम करना शुरू कर दिया कंप्यूटर लगाया काम करना चालू यानी एक्चुअल यूज है ना एक्चुअल यूज क्या है बिल्डिंग बनाई तो उसमें रहना रहना नहीं सॉरी बिजनेस करना चालू कर दिए एक्चुअल यूज वॉट इज पैसिव यूज ये अपने को समझना है पैसिव यूज़ का मतलब है Ready to use। अब ready to use का मतलब क्या है It is brought in a usable condition। हम एसिड को यूजेबल कंडीशन में लेकर आ गए हैं तो उसको कहते हैं पैसिव यूज यानी यूज चालू हो गया ऐसा हम मानेंगे और आपको डेप्रिसिएशन मिलना चालू हो जाएगा यानी एक्चुअल यूज जरूरी नहीं है इवन इफ इट इज रेडी टू यूज यू कैन स्टार्ट क्लेमिंग डिप्रिसन सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडी टू यूज ब्रॉट इन टू अबल कंडीशन आप चलो एग्जाम्पल देखते हो समझ में आएंगे वैसे कुछ नहीं समझेगा लेकिन इतना लिख लिया आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिखते जाने का है सब रेडी देखो इसी को तो कहते हैं रेडी टू यूज पेन हाथ में उठा लिया तुमने ये रेडी टू यूज अब लिखो मत लिखो तुम्हारे हाथ में लेकिन उठा लिया ना मीन्स नाउ यू आर रेडी रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकिन चलो अपन देखते हैं तो ये हमने फैक्ट्री डाली ठीक है अब एक मशीन हमने परचेज कर लिया एक्वायर्ड ऑन टेंथ जनवरी 10 जनवरी को परचेस करके लेके आ गए अब आया तो आने के बाद तो सबसे पहले अपन उसको स्टॉक में रख देंगे स्टोर्स में रख देंगे तो स्टोर्स में पड़ा है 10 जनवरी को आ गया स्टोर्स में पड़ा है और 31 मार्च तक वो स्टोर के अंदर ही पड़ा है तो उसको यूज मानेंगे क्या नहीं no use. No use नो यूज नो यूज यानी नो डेफिसिएशन फॉर द करंट ईयर लेकिन हमने क्या किया दूसरा एग्जाम्पल के स्टोर से उसको उठाकर फैक्ट्री के फ्लोर पे जहां पे उसकी जरूरत है जहां वो यूज होने वाला है उसको इंस्टॉल कर दिया इंस्टॉल्ड ऑन टेंथ मार्च दस मार्च को उसको इंस्टॉल कर दिया लेकिन इकतीस मार्च तक यूज नहीं किया एक्चुअल इस्तेमाल नहीं किया उससे प्रोडक्शन शुरू नहीं किया लेकिन इंस्टॉल हो गया है इंस्टॉल हो गया है टेस्टिंग हो गया सब कुछ बराबर है टेस्ट रिपोर्ट आ गया कि इट इज ओके इट कैन बी यूज एनी टाइम नाउ कभी भी इसको आप यूज कर सकते हो लेकिन ठीक है अब कुछ जरूरत नहीं पड़ी तो हमने थर्टी फर्स्ट मार्च तक यूज नहीं किया तो इस पर डिप्रिसिएशन मिलेगा क्या तो आंसर है यस बिल्कुल मिलेगा क्यों क्योंकि इंस्टॉल हो गया ना तो जैसे ही इंस्टॉल हो गया तो अब इसको क्या बोलेंगे अपन रेडी टू यूज ये रेडीली यूजेबल कंडीशन में आ गया है जब हमने परचेस किया था और स्टोर में रख दिया तब वो यूजेबल कंडीशन में नहीं था क्योंकि जब तक तो इंस्टॉल नहीं होगा यूज कैसे करेंगे लेकिन जैसी इंस्टॉलेशन हो गया इंस्टॉलेशन कमीशनिंग इरेक्शन अलग अलग वर्ड यूज होते इंडस्ट्री में तो वो रेडी हो गया नाउ यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट अच्छा इंस्टॉल वर्ड रटने का नहीं है हाँ रटने का नहीं है कभी कभी कोई चीज़ इंस्टॉल हो जाए तो भी रेडिली यूजेबल कंडीशन में नहीं आती क्योंकि वो अकेला इंस्टॉल हुआ है जब तक आगे आजू बाजू के दस मशीन और मैं नहीं कर दू तब तक वो काम का नहीं है तो इंस्टॉल होने के बाद भी फिर अपन उसको क्या बोलेंगे नॉट रेडी टू यूज इट इज़ नॉट रेडी क्योंकि जब तक पूरे मशीन्स नहीं लग जाएंगे तब तक वो यूज़ नहीं हो सकता ना तो लॉजिक को याद रखो इज इट यूजेबल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इज इट यूजेबल क्या इसको हम यूज कर सकते हैं अभी इफ द आंसर इज यस देन इट इज रेडी टू यूज इफ द आंसर इज नो कि नहीं अभी नहीं कर सकते अभी और चार पांच चीजें लगेंगी तब यूजेबल होगा. तो फिर आंसर है नो देन इट इज नॉट रेडी टू यूज समझ में आए तो इंस्टॉलेशन इरेक्शन कमिश्निंग ये वर्ड को नहीं रटने का आप यह देखो कि इंस्टॉल करने से वो रेडीली यूजेबल कंडीशन में आ गया क्या अगर आ गया है तो देन इट इज रेडी टू यूज तो अब अपने को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा सो नाउ डिप्रिसिएशन विल बी अलाउड फिर चाहे अपन उसको एक्चुअल यूज ना करें तो भी तो भी तो भी अपने को डेप्रिसिएशन मिलेगा आ रहा समझ में वेरी गुड और तीसरा एग्जांपल कि अगर अपन ने एक्वायर किया ऑन टेंथ ऑफ जनवरी उसको रेडी कर दिया ऑन टेंथ ऑफ मार्च और एक्चुअल यूज भी चालू कर दिया फिफ्टींथ ऑफ मार्च तो डेप्रीसी मिलेगा क्या यस ऑब्वियसली ऑब्वियसली मिल जाएगा तो अब यहां पर देखो सीक्वेंस देखो पहला आप एक्वायर करते हो फिर वो रेडी होता है फिर एक्चुअल यूज़ होता है कुछ कुछ एसेट्स में रेडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे कि मोटर कार मोटर कार खरीदी तब उसमें कुछ करना पड़ता है क्या यूज़ में लाने के लिए नहीं इट इज़ ऑलरेडी रेडी टू यूज़ तो कुछ कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसमें इंस्टॉलेशन इरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं रहता जैसे ही खरीदा इट इज़ ऑलरेडी रेडी टू यूज़ स्कूटर खरीदे आपने मोटरसाइकिल खरीदी तो कुछ करना पड़ता गया उसके बाद नहीं किक मारना पड़ता और चालू सो देर मे बी एसेड्स विच आर रेडी राइट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड देन देर कैन बी एसे विच हैव टू बी मेड रेडी जो एसेड्स को इंस्टॉलेशन वगैरह की जरूरत होती है उसमें रेडी अलग आएगा और फिर एक्चुअल यूज अलग आएगा तो ये रेडी का जो कॉन्सेप्ट है ये हर एसेट में नहीं लगता इट इज ओनली एप्लीकेबल टू दो विच आर टू बी ब्रॉड जैसे मशीनरीज वगैरह है इंस्टॉलेशन जब तक नहीं होगा यूज कैसे करेंगे तो वहां पर यह कॉन्सेप्ट आता है रेडी टू यूज का तो पॉइंट क्या है डेप्रिसिएशन कब से मिलता है स्टार्ट्स स्टार्ट वेन एसेट इज पुट टू यूज तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे थियोरी में उसको पुट टू यूज कहते हैं डेप्रिसिएशन स्टार्ट बताओ कि ये पुट टू यूज कब से मानेंगे अपन ये एग्जाम्पल में पुट टू यूज कब से मानेंगे वेन कैन वी सेक्वायर्ड क्या हम दस जनवरी को पुट टू यूज मानेंगे या जब उसको रेडी कर दिया दस मार्च को तब पुट टू यूज मानेंगे या जब एक्चुअल यूज शुरू किया तेरह पंद्रह मार्च को तब पुट टू यूज मानेंगे वॉट इज द डेट ऑफ पुट टू यूज इन इन दिस एग्जाम्पल तो आंसर है पुट टू यूज विल बी पुट टू यूज विल बी पुट टू यूज विल बी कौन सा डेट दस मार्च ये जो टेंथ मार्च है इसको अपन बोलेंगे पुट टू यूज तो टेंथ मार्च से आपको डिप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि ऊपर में हमने लिखा ना यूज इंक्लूड एक्चुअल एज वेल एज रेडी यानी कि पैसिव तो पैसिव यूज में अगर आ गया तो यूज शुरू हो गया ऐसा मान लेंगे और आपको डिप्रिसिएशन मिलना चालू हो जाएगा सिंपल आ रहे समझ में तो अगर ऐसा एग्जाम में दिया हो पुट टू रेडी टू यूज का डेट अलग दिया है और एक्चुअल यूज का डेट अलग दिया है और पूछा है कि पुट टू यूज कौन सा डेट है तो अपन पकड़ेंगे रेडी टू यूज अच्छा कोई अब मेरे को सवाल पूछेंगे एक आध स्टूडेंट सर अगर एक्चुअल पहले है और रेडी बाद में है तो <laughs> अरे बच्चों, ये मैथ्स थोड़ी है कि ए अगर पहले आ गया बी इज इक्वल टू के बाद आ रहा है ऐसा थोड़ी है अरे रेडीच नहीं है तो एक्चुअल यूज शुरू कैसे होगा अगर एक्चुअल यूज चालू हो गया है मतलब कि रेडी तो ऑब्वियसली हो गया है तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक्चुअल पहले हो और रेडी बाद में हो कैन नॉट हैपन हाँ मगर रेडी पहले हो गया और एक्चुअल बाद में है वो हो सकता है दैट इज पॉसिबल फॉर सिंपल एग्जाम्पल देखो मैं आपको बता दूं आप सी बन गए प्रैक्टिस दो साल के बाद शुरू की वो हो सकता है लेकिन प्रैक्टिस शुरू कर दी और सीए दो साल के बाद बनी है क्या नहीं ये कैसे होगा ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिस सीए की प्रैक्टिस नहीं है वो एज एन अकाउंटेंट तो हजारों लोग काम कर रहे हैं बट नॉट एज ए सीए ना तो आया समझ में ना तो चलो आप देखो थियोरी पढ़ते हैं तो दो पॉइंट है इसमें बी एंड सी दोनों देखते हैं तो लिखा है प्रोफेशन यूज ऑफ द एसिड कैन बी इधर एक्टिव और पैसिव देखो एक्टिव भी हो सकता है पैसिव भी हो सकता है एक्टिव यूज मीन्स एक्चुअल यूज एंड पैसिव यूज मीन्स वे दसिड इज रेडी टू यूज तो एक्चुअली डिप्रीसी कब से स्टार्ट होते हैं लिख लो आप डिप्रिसिएशन स्टार्ट फ्रॉम एक्टिव और पैसिव विच एवर इज अर्लियर इन्हें पैसिव यूज अगर आ गया पहले एक्टिव नहीं भी आया लेकिन पैसिव आ गया है रेडी हो चुका है तो आपको डिप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा आ रहा समझ में वेरी सिंपल पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि इवन ट्रायल रन

प्रोवाइडेड के ट्रायल रन इज सक्सेसफुल ऐसा क्यों लिखा मैंने अरे भाई लोग अगर ट्रायल रन अनसक्सेसफुल रहा यानी मशीन में डिफेक्ट है तो मशीन को यूजेबल बोलेंगे क्या नहीं ना अभी उसको सुधारना पड़ेगा उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे तब वो रेडी होगा तो ट्रायल रन अगर सक्सेसफुल है तो अपन उसको पुट मान लेंगे क्योंकि रेडी हो गया ना एक बार रेडी हो गया फिर उसके बाद दो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आते हैं अभी तक थियरी थियरी बहुत पढ़ रहे थे नाउ लेट्स सी प्रैक्टिकल साइड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सी एन डी सी में लिखा है कि हाउर इफ पार्टली यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड पार्टली फॉर

बी बच्चों को घुमाने के लिए भी यूज़ करता हूँ या आपके केस में जैसे गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए या बॉयफ्रेंड को ऐसे केस में भी और या दोस्तों को और दूसरे केस में बिजनेस में भी यूज़ करते हैं तो कुछ वक्त हाँ कुछ वक्त हाँ तो फिर क्या अपने को पूरा डिप्रिसिएशन मिलेगा क्या बिजनेस में या पूरा ही नहीं मिलेगा तो आंसर दोनों गलत है हमको पार्ट में मिलेगा प्रोपोर्शनेटली डिडक्शन मिलेगा तो आपको साबित करना पड़ेगा कि हाउ मच टाइम यू हैव यूज दी एसेट फॉर बिजनेस एंड हाउ मच टाइम यू हैव यूज दी एसेट फॉर पर्सनल पर्पजेस तो जितना बिजनेस यूज होगा उतना प्रोपोर्शन आपको डिडक्शन मिलेगा और बाकी डिसअलाउ कर दिया जाएगा तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है लेट सी तो देखो मिस्टर यो इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट बहुत अच्छी बात है

फोर्टी परसेंट बिजनेस परसेंट पर्सनल है लेकिन कार परचेज कब की गई है ट्वेंटी थर्ड ऑफ डिसंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन तो जो पहला साल है सोलह सत्रह इसमें आपने जो यूज किया है वो ट्वेंटी थर्ड से मार्च सेवनटीन तक किया है अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो आप सब वैसे भी तो जानते ही होंगे आईपीसी में पढ़ा ही होगा कि अगर एक एसेट पहले साल में जिस साल में परचेज होता है अगर उस साल में उसको हम यूज करें वन एटी डेज से कम कितना वन एटी डेज से कम अगर यूज करे पहले साल में जिस साल में परचेज किया है तो फिर डिप्रिसिएशन अपने को आधा मिलता है यानी आधे साल का मिलता है ओके एंड नॉट फुल ईयर इफ यू पुट टू यूज फॉर लेस देन वन एटी डेज तो ये वन एटी डेज से कम है ना पहले साल में सोलह सत्रह में वन एटी डेज से कम है तो अपने को डिप्रीसिएशन मिलेगा लेकिन हाफ ईयर हाफ ईयर बोलो या हाफ रेट बोलो दोनों ही है पंद्रह परसेंट की जगह मैं साढ़े सात परसेंट से डिप्रीसिएशन लूंगा और वो साढ़े सात परसेंट से जो निकालेंगे उसमें अलाउ कितना करेंगे फोर्टी परसेंट तो देखो ओवली आप कैलकुलेट कर सकते हो वैसे तो हम लिखेंगे लेकिन देखो कैलकुलेटर पे लो बीस लाख बीस लाख कॉस्ट है बीस लाख पे पहले साल में मिलेगा साढ़े सात परसेंट तो इंटू सेवन एंड हाफ परसेंट निकालो कितना आया वन लाख फिफ्टी थाउजेंड आया वेरी गुड अब ये जो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड आया है उसमें अलाउ कितना करेंगे अपन सिर्फ चालीस परसेंट तो इंटू फोर्टी परसेंट करो यानी अलाउेबल डिप्रिसिएशन वुड बी सिक्सटी थाउजेंड रुपीज यहां तक तो ठीक है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अब जो मेन इशू है वो आता है के मेरे भाई लोग अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यू कितना आएगा ये मेन क्वेश्चन है तो अभी तो 20 लाख कॉस्ट है 20 लाख में डिडक्शन अंडर पीजीबीपी ओके कितना डिडक्शन अलाउ करेंगे साठ हजार रुपए अलाउ करेंगे मगर डिप्रिसिएशन साठ हजार नहीं था डिप्रिसिएशन जो था वो तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड था हाफ रेट से है ना तो सवाल ये पैदा हुआ कि आप वन लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस करके अगले साल का डब्ल्यू डी यानी निकालेंगे जितना डिप्रीसिएशन आया पूरा माइनस करके निकालेंगे कि सिर्फ साठ हजार माइनस करेंगे जो मिला है जो एक्चुअल में अपने को डिडक्शन मिला सिर्फ साठ हजार माइनस करेंगे क्या माइनस करना है तो आंसर है सिर्फ साठ हजार ओनली सिक्सटी थाउजेंड विल बी रिड्यूस्ड क्योंकि डब्ल्यूडीवी का जो डेफिनेशन है फोर्टी थ्री सिक्स जो अपन बाद में पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि डब्ल्यूडीवी क्या होता है तो वो कहता है डब्ल्यूडीवी वो होता है जो एक्चुअल कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड माइनस करके जो बचता है वो अगले साल का डब्ल्यूडीवी होता है सी <laughs> डेफिनेशन क्या है डब्ल्यू डीवी मीनस दी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एज एंडवाड लेस डिप्रीसिएशन एक्चुअली अलाउड एज डिडक्शन नॉट डेल्कुलेटेड एट रेट वो नहीं डेप्रीसिएशन कैलकुलेटेड एट प्रिस्क्राइब रेट माइनस नहीं करना है जो डिप्रिसिएशन एक्चुअल में अलाउ किया गया तुमको वो माइनस करना है तो वो कितना माइनस किया गया यानी कितना अलाउ किया गया ओनली फोर्टी परसेंट यानी कि साठ हजार तो सिर्फ साठ हजार माइनस करेंगे और अगले साल का डब्ल्यू डी निकालेंगे फिर वो जो अगले साल का आएगा यानी कि उन्नीस लाख चालीस हजार आएंगे उस पर अगले साल का क्लेम करेंगे सत्रह अठारह में अब सत्रह अठारह में तो पूरे साल का निकालेंगे फुल रेट पंद्रह उसमें से पचास अलाउ करेंगे बिजनेस यूज पचास डेस अलाउ कर देंगे और जो पचास परसेंट अलाउ करेंगे उतना ही माइनस करके थर्ड ईयर का डब्ल्यू निकलेगा फिर उस पर डिप्रिसिएशन निकालेंगे फिर उसमें से 60 परसेंट अलाउ करेंगे और 40 दिस अलाउ कर देंगे और फिर अगले साल का डब्ल्यू निकलेगा और इस तरह से किस्सा चलता रहेगा आया समझ में वेरी गुड तो चलो करते सॉल्व बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है पांच मार्क के लिए हुँ? तो पहले साल चालीस करेंगे फिर पचास करेंगे फिर साठ करेंगे और जितना अलाउ करेंगे उतना ही माइनस करेंगे ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन में दिया भी है तुमको सॉल्व करके प्रीवियस इवेंटीन एटीन गलती से लिखा है निकालना है लेकिन शुरू करेंगे सोलह सत्रह से तो एक्चुअल बीस लाख सोलह सत्रह में बीस लाख का सेवन एंड हाफ परसेंट ने समझ में आया ना बिकॉज यूज इज लेस देन एटी डेज तो इसलिए आधा लिया है इन टू फोर्टी परसेंट साठ हजार अलाउ किया जितना अलाउ किया उतना ही माइनस करना है तो अगले साल का डब्ल्यू डी आएगा वन फोर फिर अगले साल अपन उन्नीस लाख चालीस हजार निकालेंगे पंद्रह परसेंट और उसका पचास परसेंट जो बिजनेस यूज है उतना अलाउ करेंगे विच कम्स टू वन फोर्टी फाइव हंड्रेड और उतना ही माइनस करके फिर अगले साल का डब्ल्यू निकलेगा और फिर अगले साल का डिप्रिसिएशन उस पर निकालेंगे यूज तो आ जाएंगे आंसर अपना वन सिक्सटी वन फाइव जीरो दिस इज आंसर डिप्रीसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर एन नाइनटीन इक्वल टू वन सिक्सटी वन फाइव जीरो फाइव बहुत सिंपल है वेरी गुड फिर और एक इलस्ट्रेशन है दस इलस्ट्रेशन विल बी डिफरेंट यहां पर क्या दिया है देखो कि एक आदमी है मिस्टर यो उसने एक एसेट परचेज किया है जिसको उसने एग्रीकल्चर जो कि एग्जेमट इनकम जनरेट करता है एग्रीकल्चर इज एग्जेम फ्रॉम टैक्स और मैन्युफैक्चरिंग यानी जो टैक्सेबल इनकम है यानी आप एक एसेट को एग्रीकल्चर में भी यूज करते हो और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर जो टैक्सेबल बिजनेस है उसमें भी यूज उस करते हो तब क्या करना है तो यहां मामला थोड़ा अलग है यहां पे सेक्शन फोर्टी थ्री सिक्स जो है डेफिनेशन ऑफ डब्ल्यू उसमें एक एक्सप्लेनेशन है जो वक्त आने पर अपन पढ़ेंगे उसमें ये लिखा है खास खास एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि अगर कोई इंसान एक एसिड को पार्टली फॉर टैक्सेबल बिजनेस एंड पार्टली फॉर एग्रीकल्चर विच जनरेट एग्जेंट इनकम उसमें यूज करता है तो फिर डब्ल्यू निकालने के लिए हमें पूरा डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा

पूरा डिप्रीसिएशन माइनस करेंगे अलाउड पोर्शन एज वेल एज द डिसअलाउड पोर्शन कॉरेक्ट तो देखो यू इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग ग्रोइंग शुगर केन यानी एग्रीकल्चर हो गया एंड मैन्युफैक्चरिंग शुगर ये टैक्सेबल वाला हो गया बिजनेस ही एक्वायर्ड अ ट्रैक्टर ऑन फिफ्टीन ऑफ डिसंबर सिक्सटीन फॉर कॉस्ट ऑफ टेन लैक्स ऑन विच डिप्रिसिएशन रेट इज टेन परसेंट ट्रैक्टर मान के चलो अभी एक्चुअल रेट क्या है वो भूल जाओ जाके रेट को उसमें ट्रैक्टर पे कितना रेट रेट मिलता है है दिस इज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया तो अपन उतना ही लेके चलेंगे द ट्रैक्टर इज पार्टली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड पार्टली फॉर एग्रीकल्चर सोलह सत्रह में सिक्सटी परसेंट मैन्युफेक्चरिंग यानी अलाउड वाला जो होगा वो इतना ही रहेगा जो मैन्युफैक्चरिंग यूसेज है है ना और जितना पोर्शन तुमने एग्रीकल्चर में यूज़ किया है इतना डिप्रिसिएशन डिसअलाउ कर दिया जाएगा यानी पहले साल में सिक्सटी परसेंट अलाउ करेंगे फोर्टी परसेंट डिसअलाउ कर देंगे सेकेंड ईयर में पचास परसेंट अलाउ करेंगे पचास परसेंट डिसअलाउ कर देंगे तीसरे साल में चालीस परसेंट अलाउ करेंगे साठ परसेंट डिसअलाउ कर देंगे लेकिन वो तो ठीक है वो तो जनरल नॉलेज है कोई भी निकाल सकता है इट्स अ क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जितना मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुआ उतना अलाउ करो बाकी को डिस करो दैट इज ऑब्वियस लेकिन मेन क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ईयर का डब्ल्यू निकालने के लिए अपन कितना डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो यहां पे आंसर है पूरा यानी जो अलाउड हुआ और जो डिस अलाउ हुआ ये दोनों दोनों में के जो पूरा आया होगा वो पूरा माइनस होगा इस केस में याद रहेगा वेरी गुड तो देखो यहां भी अपने को निकालना है अल्टीमेटली फॉर प्रीवियस नाइन तो शुरू करते हैं सबसे पहले आएंगे पहला साल है सोलह सत्रह सोलह सत्रह में अगेन देखो अपन आधे रेट से करेंगे क्योंकि यूज जो है वो लेस देन वन एट्टी डेज का है।, है ना यूज देखो लेस देन वन एट्टी क्योंकि कब परचेज किया अपन ने पंद्रह दिसंबर सोलह को परचेज किया तो मेरा यूज जो आएगा वो पंद्रह दिसंबर सोलह से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च सत्रह वन एटी डेज से कम हो जाता है तो पहले साल में वन एटी डेज से कम है इसलिए अपन आधा रेट लेंगे 5% परसेंट पचास हजार आएगा टोटल पचास हजार ये टोटल डिप्रिसिएशन है दिस इज टोटल डिप्रिसिएशन इसमें से अलाउ कितना करूंगा मैं साठ परसेंट तो बिजनेस हेड में जो डिडक्शन मिलेगा वो तीस हजार का ही मिलेगा रखो इनकम कंप्यूटेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग इनकम जो अपन निकालेंगे ना कंप्यूट कर रहे हैं उसमें मेरे को डिडक्शन सिर्फ तीस हजार लेकिन अगले साल का डब्ल्यू डीवी निकालने के लिए मैं माइनस कितना पूरा और अगले साल का डब्ल्यूडीवी निकलेगा नौ लाख पचास हजार फिर उस पर अगले साल का डिप्रिसिएशन निकालेंगे दस परसेंट से तो ये पूरा आ जाएगा दिस इज अगेन फुल डिप्रीसिएशन उसमें से अलाउ कितना करेंगे फिफ्टी परसेंट दैट इज फॉर बिजनेस यूज और फिर बचेगा देखो पूरा नाइन्टी फाइव माइनस करके बचेगा इतना इसमें से अगले साल अपन पूरा दस परसेंट लेंगे फुल डेप्रीसिएशन आएगा उसमें से अलाउ कितना करूंगा मैं चालीस परसेंट तो अलाउड पोर्शन इज लेस बट वाइल डिडक्टिंग वी विल डिडक्ट फुल डेप्रीसिएशन फॉर दर समझे तो ये दोनों का डिफरेंस है पार्टली बिजनेस एंड पार्टली पर्सनल वो अलग हो गया एंड पार्टली मैन्युफैक्चरिंग एंड पार्टली एग्रीकल्चर अगर है तो उसमें अलग हो जाता है ट्रीटमेंट इज डिफरेंट अंडरस्टूड इसको याद रखने का है <coughs> <coughs> फिर देखो वही पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया 180 डेज वाला वो नेक्स्ट उसमें दिया है एसेट मस्ट बी यूज यूरिंग द रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर तो एक तो यूज़ तो होना चाहिए अगर यूज ही नहीं है तो फिर तो डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं आता ऑब्वियसली इस साल में अपने एसेट को यूज इट नहीं किया ना पुट टू यूज़ का कॉन्सेप्ट का मतलब है कि रेडी टू यूज़ भी अगर है रेडी है ये पेन रेडी है मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ लेकिन साल भर मैंने निकाला ही नहीं ड्रॉर से पड़ा था उसमें तो डिप्रिसिएशन मिलेंगे क्या येस yes, क्योंकि रेडी है ना रेडी टू यूज इज इक्वल टू पुट टू यूज कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ लेकिन ये पेन ख़राब हो चुका है इट इज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन कोई भी एसेट हमारे पास है जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है वर्किंग कंडीशन में नहीं है यानी कि नॉट पुट टू यूज फिर उसका डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अंडरस्टूड फिर उसका कोई डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा चलो तो अब देखते हैं कि अगर यूज है और पहले साल में पहले साल यानी जिस साल आपने उसको एक्वायर किया ऑफ एक्विजिशन। उसमें अगर यूज आपका यूज इनक्लूज रेडी लेस देन वन एटी डेज है तो आपको हाफ ईयर का ही डिप्रिसिएशन अलाउ करेंगे फुल ईयर का नहीं करेंगे हाफ ईयर का करेंगे कॉन्सेप्ट है पहले साल में हाफ अच्छा नेक्स्ट ईयर अगर मेरा वन एटी डेज से कम यूज है तो मान लो इस साल में मैंने एक्वायर किया और उसको पुट यूज भी किया 50 डेज के लिए तो मेरा डिप्रिसिएशन आधा हो जाएगा ठीक है कोई बात नहीं नाउ द एसेट गोज इन टू नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर भी मैंने सिर्फ सौ दिन ही उसको यूज़ किया बाकी टाइम खराब पड़ा था खराब पड़ा हुआ था मशीन और वो रिपेयर में था रिपेयर हुआ ही नहीं हुआ ही नहीं हुआ ही नहीं अल्टीमेटली हुआ और रिपेयर होके फिर से रेडी हो गया रेडी टू यूज़ लेकिन फिर सिर्फ सौ दिन ही रहा तो नेक्स्ट ईयर सिर्फ मैंने सौ दिन उसको यूज किया सामान के चलो तो नेक्स्ट ईयर भी मेरे को आधा मिलेगा क्या डिप्रिसिएशन आधे साल का नहीं पूरे साल का मिलेगा क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू द फर्स्ट ईयर दैट इज द ईयर ऑफ एक्विजिशन दिस एक्सप्लेनेशन अप्लाई टू सब्सिक्वेंट ईयर तो सब्सिक्वेंट ईयर में अगर आप एक दिन भी उसको पुट यूज कर लेते हो एक दिन भी अगर रेडी टू यूज है एक दिन भी तो अपने को पूरे साल का डिप्रिसिएशन मिल जाता है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में बहुत बेनिफिशियल है एक दिन भी अगर यूज किया पूरे साल का डिप्रिसिएशन मिलेगा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिर पूरे लाइफ तक लेकिन पहले साल में पहले साल में, अगर पुटू यूज वन ईटी से कम है तो आधा मिलेगा अगर पुटू यूज वन से ज्यादा है तो पूरा मिलेगा वन एट्टी या उससे ऊपर है तो पूरा वन सेवेंटी नाइन या उससे कम है तो आधा गॉट इट और एक लॉजिक समझा दू फिर आप ये क्वेश्चन आराम से समझ सकते हो और वो ये कि अगर मेरा परचेज एक साल में है, है? ये बहुत ये एक ही चीज में टिकलिश इशू है यानी जहां आप गलती कर सकते हो कि मेरा परचेज यानी एक्विजिशन अगर एक साल में है मान लो सत्रह अठारह में एक्विजिशन है लेकिन पुट टू यूज है ही नहीं जीरो डेज अब ये कैसे हो सकता है पर हो सकता है ना मेरे भाई मैंने देखो नया एयर कंडीशनर खरीदा खरीदा लाके रख दिया लाके रखने से पुट टू यूज नहीं होता ना इट इज नॉट इन यूजेबल कंडीशन जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होगा तब तक उसको रेडी टू यूज नहीं कहेंगे ना तो खरीद के ले आया लेकिन पड़ा था उसको मैंने इंस्टॉल नहीं किया तो डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा जीरो पुट यू जीरो सो डेप्रीसिएशन विल आल्सो बी जीरो नो डिप्रीसिएशन इन दिस ईयर अब ये मशीन कंटिन्यू हुआ नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर आया अठारह अच्छा उन्नीस अठारह अच्छा उन्नीस में मैंने इसको इंस्टॉल करवाया ठीक है फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करवाया इंस्टॉल कब किया मालूम है ट्वेंटी सेकेंड फेबर को अट्ठाईस फेबर नाइनटीन को मैंने इंस्टॉल करवाया और फिर उसको महीना डेढ़ महीना जो है वहां से फेबर का कुछ आधा महीना और इधर मार्च का पूरा महीना तो सिर्फ डेढ़ महीना मैंने उसको यूज किया बस सिर्फ डेढ़ महीना यूज किया यानी यूज कितना हुआ लेस देन वन एटी डेज कितना मिलेगा नोटिफिकेशन फुल रेट से मिलेगा क्या हाफ रेट से या फुल ईयर क्या हाफ ईयर इट्स वन इन द सेम फुल रेट यानी फुल ईयर हाफ रेट यानी हाफ ईयर तो कोई लोग हाफ ईयर बोलते हैं कोई लोग हाफ रेट बोलते हैं मतलब दोनों का एक ही है चलो बताओ तो पुट्टी यूज जो है ना मेरा वो है सिर्फ फोर्टी सिक्स डेज पहली बार पुट यूज किया क्योंकि पहले साल में तो किया ही नहीं था अब मैंने अठारह उन्नीस में पुट यूज किया सिर्फ फोर्टी सिक्स डेज तो रेट ऑफ डिप्रीसिएशन क्या होगा फुल के हाफ फुल के हाफ फुल के हाफ द राइट आंसर इज डेप्रिसिएशन विल बी एट फुल रेट ये देखो ये समझने वाली बात है क्योंकि ये जो प्रोविजो है सेक्शन थर्टी टू के अंदर ये क्या बोलता है कि देखो पढ़ो अब डेप्रिसिएशन अलाउड ओनली इफ द एसेट इज दूस फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एटलीस्ट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द ईयर वेरी गुड हाउ एवर डेप्रिसिएशन अलाउंस शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन इफ द एसेट इज एक्वायर्ड यहां से देखो एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन वन एटी डेज ड्यूरिंग धैट प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग धैट प्रीवियस ईयर दैट प्रीवियस ईयर यानी कौन सा प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर इन विच द एसिड इज एक्वायर्ड तो ये इक्विजिशन का ईयर है अगर इसमें ही पुट टू यूज हो और लेस देन वन एटी हो वन एटी से कम हो तो अपने को हाफ रेट मिलेगा लेकिन मेरा तो पुर्टू यूज अगले साल में है अगले साल में अगर है ये ईयर चेंज हो गया एक्विजिशन एक साल में है पुर्टू यूज दूसरे साल में है। तो वहां तो ये लगेगा ही नहीं ना दिस प्रोविजो apply, इससे यहां मेरे को फुल रेट मिलेंगे एक दिन भी यूज कर लिया तो फुल रेट मिल जाएगा अनस्ट्र वेरी गुड तो देखो इलास्टेशन दिया है बहुत सिंपल है पहला केस है डेट ऑफ एक्विजिशन एक पांच अठारह है अपने को जो पुट टू यूज काउंट करना है ना ये ड्यूरेशन जो काउंट करना है ड्यूरेशन ऑफ यूज यू कैन से ये कहाँ से करना है या सॉरी ड्यूरेशन नंबर ऑफ डेज यूज ये यूज तो ये कहाँ से कैलकुलेट करना है फ्रॉम पुट टू यूज पुट टू यूज से एंड ऑफ द ईयर दिस इज पुट टू यूज ट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ऐसे काउंट करना है हम्म तो ये एक पांच से अपने को मतलब नहीं है। एक पांच को तो खरीदा इंस्टॉल कब किया एक साथ को रेडी टू यूज में कब आया एक साथ तो पुट यूज शुरू कहां से होगा वन सेवन तो देखो वन सेवन एटीन से अपन लेंगे एंड ऑफ दर वहां तक लेना है अपने वो सो दिस इज यूज अब इसके नंबर ऑफ डेज काउंट करो एक्चुअल काउंट करते मत बैठना एग्जाम में नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट होगा आप ओवरऑल देखो अच्छा एक कट ऑफ पॉइंट दू दूंगो दू दू थोड़ा सा लॉजिक <laughs> ये डेज़ जो है ना ये आते हैं थर्ड अक्टूबर से आधा आधा साल मत गिनना कि सितंबर एंड तक है तो मोर देन वन एटी और फर्स्ट अक्टूबर से है तो लेस देन वन एटी नहीं अपना साल तीन सौ साठ दिन का नहीं है तीन सौ पैंसठ दिन का है तो 180 जो है ना वो एग्जैक्ट हाफ नहीं है 180 हाफ नहीं है ना तीन का हाफ 180 होता है क्या नहीं इसलिए आधा साल मत गिनना थर्ड ऑफ अक्टूबर जो है ना वो कट ऑफ पॉइंट अगर आप थर्ड अक्टूबर के पहले कभी भी पुट कर देते हो तो फिर वहां से एंड ऑफ द ईयर तक गिनोगे नंबर ऑफ डेज तो आपके वन एट्टी या उससे ज्यादा आएंगे थर्ड अक्टूबर से भी अगर काउंट करना शुरू करते हो तो वन एट्टी आएंगे टिल थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्थ अक्टूबर को अगर पुट यूज किया है या उसके बाद कभी तो फिर हो जाएगा लेस देन एटी डेज तो फोर्थ अक्टूबर ऑनवर्स अगर पुट यूज है यानी पुट यूज अगर ये अक्टूबर या उसके बाद दिख रहा है तो वन एटी से काम आने वाला है थर्ड अक्टूबर तक दिख रहा है या उसके पहले अप्रैल से लेके थर्ड ऑफ अक्टूबर तक पुट यूज अगर की डेट है और फिर एंड तक हमने यूज किया तो उसका आ जाएगा प्लस

सेकेंड अक्टूबर से है सेकेंड अक्टूबर से है इसलिए क्या आ जाएगा मोर देन वन एटी थर्ड अक्टूबर तक भी रहे तो वन एट्टी एग्जैक्ट फिर जनवरी में परचेज किया और थर्टी फर्स्ट थर्ड ऑफ मार्च को यूज़ है. ओहो, एक महीना भी नहीं है पूरे तीस दिन भी नहीं है इसलिए हाफ रेट और आखिरी वाला जो एग्जाम्पल है वो वो है देखो फर्स्ट जनवरी 18 का एक्विजिशन है लेकिन 15 जनवरी 19 से पुट टू यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम तो एक्विजिशन कौन से साल में हुआ 1718 में और पुट टू यूज़ कौन से साल में हुआ 1819 से तो यहां 2 साल गए। तो पहला सवाल आएगा 1718 1718 में तुमको डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा जीरो डेज है 1718 में इसलिए कुछ भी नहीं मिलेगा nil और 1819 में अगर देखो तो अगर आप पंद्रह जनवरी से काउंट करोगे तो लेस देन वन है पंद्रह जनवरी से अगर मार्च देखोगे तो लेस देन एटी आएगा लेकिन रेट कितना मिलेगा फुल इसका लॉजिक मैंने आपको समझाया तो सत्रह अठारह में निल और अठारह उन्नीस में फुल डेप्रीसिएशन क्योंकि प्रोविजो अप्लाई होता ही नहीं अगर एक्विजिशन एक साल में और पुट दूसरे साल से है तो दूसरे साल में फुल रेट मिलेगा इवन इफ द दूजेज फॉर वन Single day so all these things you have to remember huh condition you have depreciation is mandatory everyone has to claim you have to claim you cannot ignore depreciation you have no choice of not claiming depreciation it has to be claimed it is mandatory okay? तो ऐसे चार कंडीशन है डिप्रीसिएशन क्लेम करने के ठीक है ओनरशिप होना चाहिए बिजनेस यूज होना चाहिए कुछ दिन का यूज तो कम से कम होना चाहिए और मैंडेटरी है और उसके नीचे फिर एक छोटा सा पॉइंट दिया है वो भी बहुत सिंपल है जस्ट एवरी वन नोज इट कि डिप्रिसिएशन जो है वो कौन से एसेट्स पे अलाउड है इनकम टैक्स में तो टेंजिबल पे है टेंजिबल में बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर आता है और इंटेंजिबल्स पे भी है अलाउड लाइक हाउ पेटेंट कॉपी राइट ट्रेडमार्कस लाइसेंसेज फ्रेंचाइजीज और यानी तो बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर लाइक गुडविल गुडविल अगर हमने परचेस किया है तो सेल्फ मेड गुडविल को आप रिकॉर्ड करके डिप्रिसिएशन नहीं ले सकते हाँ किसी से परचेस किया जैसे मैंने आज हल्दीराम का बिजनेस खरीद लिया बाई पेइंग अ गुडविल ऑफ फाइव थाउजेंड करोर्स तो वो 5000 थाउजेंड करोड को मैं कैपिटलाइज करके डिप्रिसिएशन ले सकता हूं ओके तो यह सारे अलाउड है अब क्या अलाउड नहीं है तो लैंड पे अलाउड नहीं है बेसिकली लैंड पे कोई डिप्रिसिएशन नहीं मिलता आप सब जानते हैं अकाउंट्स में भी जानते हैं अकाउंट्स में भी लैंड पे अपन डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते क्यों नहीं करते उसका लॉजिक क्या है स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर उसकी कीमत बढ़ते रहती है इसलिए गलत बात अरे बहुत सारी चीजों की कीमत बढ़ती है पेटेंट्स हो गए कॉपी हो गए इनकी कीमत बढ़ते रहती है मगर डिप्रिसिएशन तो मिलता है ना ट्रेडमार्क गुडविल गुडविल की कीमत तो बढ़ते रहती है बट यू गेट डिप्रिसिएशन लैंड पे नहीं मिलने का रीजन ये नहीं है कि उसकी कीमतें बढ़ती रहती है मगर ये है कि उसकी लाइफ परपीचुअल होती है इट डजेंट हैव अ लिमिटेड लाइफ hence नॉट अलाउड allowed लाइफ इज is अन एंडिंग that इज द रीजन why वी डोंट गेट depreciation ऑन लैंड क्योंकि डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ही क्या है अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ तो यूजफुल लाइफ अगर डिटर्मिन नहीं है अनएंडिंग है तो आप उसको अलोकेट कैसे करोगे नहीं कर सकते ना तो अमोटाइजेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि लिमिटेड लाइफ नहीं है इसलिए वो अलाउड नहीं होता ठीक है ग्रे